कौन है आनुवंशिक पदार्थ इसमें डीएनए डीएनए जब जीवाणुविक बैक्टीरिया फेज वायरस है जब आक्रमण करता है तो किस चीज का स्थानांतरण करता है आनुवंशिक पदार्थ में और वो आनुवंशिक वो क्या स्थानांतरण हुआ जीवाणु कोशिका में डीएनए 32 फास्फोरस लेवल कोई भी जो पदार्थ था वो क्या हो गया डीएनए तो डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है यह सिद्ध होता है तो आपके एग्जाम में दो तीन तरीके से सवाल आ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आप क्या कहेंगे कि जीवाणुविक कोशिका का के लक्षणों में परिवर्तन ही रूपांतरण ठीक है बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या लिख देंगे कि पूरा लिख देंगे कैप्सूल फायर है आर स्ट्रेन जो है कैसा बन गया पैथोजेनिक बन गया रूपांतरित हो गया ठीक है तो उसके लक्षणों में परिवर्तन आ गया और वह क्या करने में सक्षम हो गया आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है सिद्ध कीजिए तो आप दोनों से एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर दोनों तो फ्रैंक ग्रिफिथ का जिससे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के आधार पर जो स्ट्रेन विकसित किए के आधार पर उन्होंने विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए चूहे के और उसके बाद आप करेंगे हर्षियोर चेस का एक्सपेरिमेंट इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस पर एक्सपेरिमेंट की बैक्टीरियोफेज वायरस पे जो प्रोटीन है उसको 35S से लेबल किया गया डीएनए को 32E से लेबल किया गया जब जीवाणुविक कोशिका पर आक्रमण करवाया गया तो यह देखा कि जीवाणुविक कोशिका में 32E लेबल्ड डीएनए उपस्थित है इसका मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट अपना एक टॉपिक पूरा हुआ एक्सपेरिमेंटल बेसिस एक्सपेरिमेंट बेसिस और डीएनए जेनेटिक मटेरियल दो एक्सपेरिमेंट्स देखे एक बैक्टीरिया के ऊपर डीएनए वायरस के द्वारा किया गया और दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर जो कि आरसीओ चेस के द्वारा किया अगला टॉपिक निर्धारित हुई किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित हुई ये हम आगे देखेंगे ठीक है कल देखेंगे